नमस्कार, आप देख रहे हैं NN न्यूज़ और मैं हूं अहसन ज़िया। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण ज़िला के बंजरिया प्रखंड के जटवा गांव में। यहां पर एक मामला सामने आ रहा है कि सहायक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बड़ी लापरवाही के साथ गड़बड़ी की गई है। हमारे साथ पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 4 जो बंजरिया प्रखंड का है, उस क्षेत्र के जो प्रत्याशी मजबूर नेशा हैं, उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और किस तरह से गड़बड़ी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुस्तजाब आलम है। क्या गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी वही हुई है कि एक नंबर वार्ड में 407 पोल हुआ है और पेपर के हिसाब से 507 वोट हुआ है, ठीक है। उसी में और 3 वोट से हारे हुए हैं जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 407 पोल हुआ है और काउंटिंग 507 की कर दी गई है, तो जो दूसरा पद था जिला परिषद मुखिया वार्ड, उस सब में कितना मत का काउंटिंग हुआ है? उसमें सब 407 है, सिर्फ समिति का है जो 507 है। जैसे सरपंच का हुआ, वार्ड का हुआ और मुखिया का है, सब 407 है और सिर्फ समिति में 507 है। उस समय आरओ से नहीं मिले थे आप? मैं मिला था, काउंटिंग के लिए बहुत प्रयास किया BDO साहब के, BDO साहब काउंटिंग नहीं किए, रिकाउंटिंग नहीं किए, बोले कि रिकाउंटिंग नहीं होगा। और किसी से मिले थे? कल गया था हम लोग DM ऑफिस, विधायक साहब गए थे, डॉक्टर समीम साहब और 2-4 जन गए थे, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। विधायक जी भी साथ में थे, टाइम लिया गया है। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे तक हम जाएंगे, हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इसको हमको पूरा चाहिए, इंसाफ चाहिए। हम क्या मतलब क्या डिमांड है आपकी? हमको डिमांड यही है कि एक नंबर वार्ड में जो गड़बड़ी हुआ है उसको सुधार किया जाए। सुधार किया जाए जी। जो दोषी लोग हैं उसको, दोषी लोग को सजा दिया जाए, सख्त से सख्त सजा दिया जाए। मगर निर्वाचन में जो काउंटिंग होती है या कोई भी निर्वाचन का मामला है, चुनाव का, बड़ी पारदर्शिता के साथ की जाती है, तो कैसे गड़बड़ी हुई, कहाँ लग रहा है आपको, क्या क्या चल रहा है? जो मास्टर लोग जो है EVM के जो कर रहा था काउंटिंग, वहीं से मास्टर लोग का गड़बड़ी है। 100 वोट का सवाल है। कुछ प्रूफ भी है आपके पास? हाँ, प्रूफ है मेरे पास। कहाँ है? साथ में प्रूफ। मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्र संख्या 4 है पंचायत समिति का और वार्ड नंबर 1 बूथ संख्या 36 है, और बूथ संख्या 36 पर जो मत हुआ था 407 पोल हुआ था, मगर यहाँ पर जो सहायक निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर वाला जो पेपर है, ये कहीं से इंतजाम किए हैं, इस पर 407 लिखा हुआ है मगर 407 को कट करके 507 बनाया गया है। अब जो 100 मत है उसको कहाँ एडजस्ट किया गया है, ये समझने वाली बात है कि आखिर 100 वोट जो है ये कहाँ पर गड़बड़ी की गई। कितना वोट से हारे हैं आप? 3 वोट से हारे हैं हम। 3 वोट से हरा दिया गया जी। 3 वोट से हरा दिया गया है और 100 वोट का गड़बड़ी, हम कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग किया जाए, फिर से दोबारा एक नंबर वार्ड का रिकाउंटिंग किया जाए। इनका कहना यह भी है कि जगह जगह जो है वहाँ पर हम दौड़ते रहे, सभी पदाधिकारियों से मिलते रहे, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। अगर मेरे साथ न्याय नहीं होता, अगर इंसाफ नहीं किया जाता है, तो हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, मगर जब तक मेरे साथ इंसाफ नहीं होता है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे।